हाय एवरीवन, दिस इज पंकज ज्ञान विद पान के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। थंबनेल देखे कुछ लोग समझ रहे होंगे, कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे। नहीं मतलब क्यों कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन फोटो बैंक है क्या, ठीक है ना। तो इसके बारे में चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आपको दिखाते हुए हम समझाते हैं कि ये ऑनलाइन फोटो बैंक है क्या, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग गूगल ड्राइव का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं गूगल ड्राइव पर जाता हूँ। सिंपली ये सबके फोन पर होता है, गूगल ड्राइव पर जाना है, सिंपली प्लस का साइन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। हमें क्या क्रिएट करना है, फोटो बैंक, ठीक है, ऑनलाइन फोटो बैंक। तो मैं इसे फोटो बैंक का ही नाम देता हूँ। देन फोटो बैंक पे चले जाना है अंदर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है पहले, तो क्या क्या का फोटो रखना है, ठीक है। जैसे कि आपको मैरिज का फोटो रखना है, कहीं प्लेस विजिट किए हैं उसका फोटो रखना है, फैमिली फोटोज़ रखना है, या फिर कॉलेज स्टूडेंट है तो कॉलेज का फोटो आपको एक जगह एकत्रित करके रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले उस पर आपको फोल्डर बना लेना है ताकि आपको आसानी हो। तो सबसे पहले मैं फोल्डर बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सिंपली मैरिज का एक फोल्डर बना लिया, जो प्लस दिख रहा है उस पर क्लिक करना है फोल्डर पर। देन फिर कॉलेज है ना, फिर क्या करना है आपको, मान लीजिए कहीं प्लेस विजिट किए हैं ना, मैं झारखंड है ना, झारखंड प्लेस विजिट किए हैं, तो जैसे फैमिली फ़ोटो वगैरह, ठीक है, फैमिली फ़ोटोज़ इस तरह आप क्रिएट कर लिए। अब क्या करना है आपको, सबसे सिंपली इस पर फोटो अपलोड करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं कॉलेज का फोटो है ना, मैं सिंपली कॉलेज का फोटो एक अपलोड करता हूँ। जैसे आपको प्लस पे क्लिक करना है, अपलोड पे जाके आपका जो फोटो है उसको चूज़ करना है और सेलेक्ट करके इसे अपलोड कर देना है, ठीक है। ये देखिए फोटो अपलोड हो रहा है, देख सकते हैं, देखिए ये मेरा फोटो अपलोड हो गया, ठीक है। ये कॉलेज का फोटो था, देन मैं एक फैमिली फ़ोटो पे कुछ अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए मैं अपलोड पे जाता हूँ, फैमिली में ये फ़ोटो नॉर्मली मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये फ़ोटो अपलोड हो गया, सिंपली अब खेल शुरू होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जैसे आपका फैमिली में बहुत ज़्यादा मेंबर हैं, ठीक है, उनके साथ ये फोटो बैंक को आपको शेयर करना है। देन क्या करना है, आप फोटो बैंक जो हम लोग फोल्डर बनाए हैं सिंपली क्लिक करना है उस पर, आपको लिंक कॉपी लिंक कर लेना है, व्हाट्सअप मैसेज किसी के जरिए से भी आपको फिर क्या करना है, भेज देना है उनको, ठीक है। मैं उन्हें लिंक भेज देता हूँ। देन अब मैं असली खेल दिखाता हूँ, तो चलिए दूसरा फोन का स्क्रीन अब इस फोन पे लाते हैं ना। देखिए मैं दूसरे फोन के स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब क्या करना है आपको, जिस पर मैंने शेयर किया था, जिनको व्हाट्सएप पे चले जाना है सिंपली, ठीक है। देखिए मैंने ये लिंक शेयर किया हुआ है उनके साथ, सिंपली इस पर क्लिक करके ना आपको एक रिक्वेस्ट एक्सेस ले लेना है, ठीक है, ताकि आप ये एक्सेस ले रहे हो कि जहाँ भी गूगल ड्राइव में फोटो अपलोड हो रहा है वहाँ पे मैं अपलोड कर सकता हूँ या फिर एडिट कर सकता हूँ, इसका एक्सेस लेना है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट एक्सेस भेज देना है। देखिए आप तो देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट आया, तो मैं उसे एक्सेस दे देता हूँ, ठीक है। देखिए तो इस पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए जहाँ पे व्यूअर्स लिखा हुआ है ना, तो अगर व्यूअर्स केवल इसका एक्सेस देते हैं तो वो सिर्फ क्या होगा, जिनको हम लिंक भेजते हैं वो सिर्फ देख पाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग इस पर सिर्फ व्यूअर्स रखते हैं वो फिर किसी फोटो को अपलोड नहीं कर पाएंगे, या कुछ चेंजेस करना होगा ड्राइव में तो वो नहीं कर पाएंगे। इस पर क्या करना है आपको ना, व्यूअर्स क्लिक करके फिर एडिटर का एक्सेस देना है उनको, ठीक है। एडिटर का एक्सेस देते हैं तो क्या होता है कि वो फोटो भी अपलोड कर पाते हैं, एवं कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी कर पाएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि अगर वो अपलोड करेंगे तो आप भी देख पाएंगे, इसलिए उनको क्या करना है, एडिटर का एक्सेस देना है। मैंने देखिए यहाँ पे एडिटर सेलेक्ट कर लिया, क्या करना है आपको, देखिए सेंड मैसेज का आ रहा है ना नीचे राइट साइड पर, वहाँ पर क्लिक करना है आपको। देखिए मैंने एक्सेस ले लिया, अब सिंपली जो लिंक आया था जिस पे क्लिक करके हमने एक्सेस लिया था, सिंपली उसी पे क्लिक करना है, तो क्या होगा, जो फोटो बैंक क्रिएट हुआ था, ठीक है, उस पर डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे। इस पर आपको रिफ्रेश कर लेना है, एक बार रिफ्रेश कर लिए, देखिए जिस तरह का फोटो बैंक हमने बनाया था, फोटो बैंक के अंदर फोल्डर सेम हुई है, ठीक है। मैं आपको दूसरा स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये देखिए दूसरा स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, सेम है दोनों में, ठीक है। अब क्या करना है आपको, चेक करना है, ठीक ना, जैसे फैमिली फोटो है, ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ फोटो अपलोड करके देखता हूँ और फिर देखते हैं कि जहाँ पे मैंने फोटो बैंक क्रिएट किया है वहाँ पे आता है कि नहीं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करना है, अपलोड पे जाना है, कोई भी एक फोटो मैं फैमिली का फोल्डर पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपलोड आ रहा है, इसे रिज्यूम कर देना है ताकि अपलोड हो। ये देखिए यहाँ पे मैंने फोटो अपलोड कर दिया। अब मैं आपको दूसरे स्क्रीन पे ले जाके दिखाता हूँ, फोटो जो मैंने इस फोन पे अपलोड किया है और जहाँ फोटो बैंक बनाया है वहाँ पे आया कि नहीं फोटो, ठीक है। देखिए जैसे मैं दिखाता हूँ, ये फैमिली फोटो का फोल्डर पे हम गए, तो मैं रिफ्रेश करूँगा। देखिए मैंने जैसे ये रिफ्रेश किया तो जिनके साथ मैं लिंक शेयर किया हुआ था उनका फोटो मेरे फ़ोन पे भी आ गया। तो ये सिंपली फंडा है, आप क्या कर सकते हैं, इस तरह एक फोटो बैंक क्रिएट कर सकते हैं। आप जिनके साथ शेयर करना चाहते हैं लिंक को शेयर करिए, फिर वो भी फोटो अपलोड करेंगे तो आपको दिखेगा, या फिर आप जिस फोटो को अपलोड करोगे वो भी दिखेगा। और इस पर अगर एक्सेस देते हो, केवल व्यूअर का एक्सेस देते हो तो फिर सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन एडिटर का एक्सेस देते हो तो क्या हो सकता है कि वो अपलोड भी कर सकते हैं, इसे देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतनी था, बहुत जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।